ठीक है और विंड में हम किसकी बात कर रहे हैं जो यहाँ आप, आपका हॉरिजोंटल मूवमेंट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं और फिर यहाँ पे जो आपका वर्टिकल मूवमेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं करंट कहते हैं ठीक है थीके? तो विंड से आपका क्या रेफरेंस है जो हॉरिजोंटल मूवमेंट हो रहा है प्रेशर हाई और लो प्रेशर के बीच में ठीक है चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे इनको असर क्या करता है अगर यहाँ पे जो आपका विंड है वो यहाँ पे वेरी कर रहा है तो किस वजह से यहाँ पे वेरी कर रहा है तो देखो सबसे पहला यहाँ पे आपका क्या रहता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स रहता है ठीक है ऑब्वियसली आपका जो प्रेशर रहेगा अगर वो डिफर कर देगा ये आपका ग्रेडियंट जो है अगर आपका डिफर करेगा तो क्या यहाँ पे विंड की विंड की स्पीड तेज कम बढ़नी होगी है ना अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया ठीक हाँ, बहु... है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा है ये हाई प्रेशर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे ये ज्यादा तेजी से हवा नहीं आएगी है ना तो ये प्रेशर ग्रेडियंट पे बिल्कुल डिपेंड करेगा अगर ये वही डिफरेंस जो है यहाँ पे ज्यादा नहीं रहेगा तो ये इतनी तेजी से हवा नहीं आएगी ठीक है तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है ये यह यहाँ पे इसको इसके ऊपर ये यहाँ पे बेरी करेगी ठीक है ओके okay, अब हम देखते हैं बायोवेंट फोर्स अच्छा बायोवेंट फोर्स क्या होती थी बायोवेंट फोर्स होती थी अः कि हमने वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह जो पढ़ा था उसमें हम क्या होता था पानी होता था मतलब ऐसे समझ लो आर्किमिडीज क्या आ, पानी होता था है ना पानी में हम जब जाते हैं अंदर तो एक आपको फोर्स एक ऊपर को लगती है यहाँ पे एक धक्का लगता है पानी पे जब आप जाते हो तो अंदर से एक ऊपर को धक्का लगता है उसको क्या बोलते हैं बायोवेंट फोर्स लगते हैं वो बायोवेंट फोर्स है ठीक है अब ये बायो एंड फोर्स ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पानी वाले एरिया में लग रही है ये अर्थ के ऊपर भी भी ठीक हाँ है, हाँ है उपर, आ, तो अभी हमने वो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो ये जो नीचे लग रहा है ये इसके ऑपोजिट भी एक फोर्स लगेगी है ना तो इसके ऑपोजिट जो फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं बायोवेंट फोर्स कहते हैं ठीक है ठीक है ओके ठीक है इसे इसमें इतना ही इनका सिंपल लॉजिक है इसको ठीक है द सराउंडिंग यहाँ पे द सराउंडिंग एटमोस्फेयर एग्जर्ट बायोवेंट फोर्स ऑन लो प्रेशर सेल्स एंड हेंस द एयर विद इन द लो प्रेशर सेल राइज ठीक है ये जो ऊपर राइज करती है है ना राइज करती है ये ऊपर जा रही है तो इसको जो ऐसे ऑपोजिट ऊपर भेज रही है हवा राइज करते हुए वो यहाँ पे बायोवेंट फोर्स की वजह से लग रही है ठीक है ऊपर जाना जो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लग रही है ओके okay. ठीक है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन याद है साइक्लोन एंटी साइक्लोन याद है आपको यस मैम ओके ओके ठीक है ठीक है इसमें हमारा साइक्लोन वाली कंडीशन क्या रहती थी यहाँ पे आपका बीच में क्या रहता था लो प्रेशर रहता था एंटी साइक्लोन के में क्या रहता था यहाँ पे हाई प्रेशर रहता था दोनों में देखो कि आइसोबार्स यहाँ पे क्लोज्ड आइसोबार्स बन रहे हैं ठीक है थीके? यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे भी हाई प्रेशर है यहाँ पे एकदम एक्सट्रीमली लो लो प्रेशर है ठीक है दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं ठीक है सॉरी ये वाला जो है ये डाइवर्ज कर रहा है एंटी साइक्लोन में डाइवर्जेंस रहेगा अच्छा अब इसका डायरेक्शन क्या रहेगा डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमस्फेयर में क्या रहेगा इसको याद कर लेना ठीक है साइक्लोन अगर हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कौन सा मूव करेगा यहाँ पे

कोई यहाँ पे आपको पहाड़ मिल गया है ना तो हवा जो है वो आके टकराई तो ये क्या लगाएगी इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी है ना तो ये इस टाइप की फोर्स जो है ये आपकी विंड मूवमेंट जो है उसको एफेक्ट करेगी द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रिक्शनल फ्रिक्शन फ्रिक्शन जनरली एक्सटेंड्स अप टू दी एलिवेशन ऑफ वन टू थ्री किलोमीटर देखो ये जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रह, रहेगी ना वो यहाँ पे अर्थ की टेरिटरी पे ही लगेगी ठीक है कोई यहाँ पे एलिवेशन आ गया पहाड़ आ गया मॉली मॉल यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है वो भी आपस में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे हवा पे तो ये जो है ऊपर जो है अगर जनरली हम एक हाइट पे जाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो रहती है वो कम हो जाती है ठीक है अच्छा एक फ्रिक्शनल फोर्स से फ्रिक्शनल फोर्स अभी हमने देखा था कि ये जो क्लोज वाले आइसोबार्स जो थे ये उन जगह पे बन रहे थे जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगती है अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है अगर ये यहाँ पे कम हो जाती है तो यहाँ पे लीनियर आइसोबार्स बनने लगेंगे ठीक है ओके। फिर फोर्स की बात करते हैं तो कोरियोलिस फोर्स क्या होती थी कोरियोलिस फोर्स होती थी अर्थ का यहाँ पे रोटेशन होता है ठीक है तो अर्थ का रोटेशन होने की वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगेगी ठीक है फोर्स उसके Uh, उसके घूमने की वजह से चीजें जो है यहाँ पे सीधे नहीं जाएंगी ये उसके अ uh, घूम जाएंगी ठीक है तो वो क्या होती थी कोरियोलिस फोर्स होती थी किसकी वजह से अर्थ की रोटेशन की वजह से ठीक है विथ डू नॉट क्रॉस द आइसो बार एट द राइट एंगल ये सीधे सीधे नहीं आती हैं विंड्स जो हैं ये हमेशा घूम जाती हैं एस द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डिरेक्ट बट गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल पाथ दिसन इज रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन एंड इट इज कॉल्ड इफेक्ट फोर्स को हम कहते हैं फिनते हैं कोरियोलिस इफेक्ट ठीक है अब इसमें और फेरल लॉ है फेरल लॉ सिंपली ये होता है कि ये जो इसका कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है राइट ऊपर नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में कहा डिफ्लेक्ट होते हैं नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में ये यहाँ पे राइट right साइड में डिफ्लेक्ट होता है ठीक है तो नीचे से अगर यहाँ पे विंड जा रही है तो राइट right साइड में आ जाएगी और अगर ऊपर से आ रही है तो इसका राइट right क्या होगा है ना ऐसे करके आएगी ये इस तरीके से जाएगी तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिसफेयर में कहाँ को मुड़ती है विंड राइट साइड में और नीचे यहाँ पे क्या मुड़ती है लेफ्ट साइड में तो ये जो पूरा पाथ है ये जो डिफ्लेक्शन जो होता है नॉर्दर्न हेमिसफेयर में राइट right की तरफ इसको हम क्या कहते हैं फेरेल लॉ ओके ठीक है ड्यू टू दिस इफेक्ट द विंड इन नॉर्दर्न दॉन गेट टू डिफ्लेक्टेड टू द राइट ऑफ देयर पाथ एंड दोज इन द सदर्न हेमिसफेयर टू देयर लेफ्ट इस दिस इज कॉल्ड फेरल लॉ ठीक है तो इफेक्ट कौन सा रहेगा कोरियोलिस इफेक्ट रहेगा और फोर्स कौन सी रहेगी कोरियोलिस फोर्स रहेगी और ये लॉ जो रहता है डिफ्लेक्शन वाला ये कौन सा रहेगा फेरे लॉ इसे कंफ्यूज नहीं करना है फेरल सेल से फेरल सेल जो यहाँ पे बनता है ठीक है इस वाले लैटिट्यूड में यहाँ पे क्या बनता है हेडले बनता है फिर यहाँ पे क्या बनता है फेरल सेल बनता है यहाँ पे क्या बनता है पोलर सेल बनता है ठीक है ओके तो आ... कॉजेज इसके हमने पता है कि कॉजेज इसका मेन कॉज जो होता है वो यहाँ पे वो होता है ठीक है अच्छा अच्छा एक पॉइंट ये याद रखो कि कोरियोलिस फोर्स जो रहती है वो ज़ीरो रहती है कहाँ पे इक्वेटर में ठीक है और बट विद वि लैटिट्यूड ठीक है ये पॉइंट याद रखना कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर की साइड जाते हैं पोल्स के साइड जाते हैं कोरियोलिस फोर्स जो है वो बढ़ती जाती है ठीक है तो कोरियोलिस फोर्स जो है अगर हम ये बात करें कि कोरियोलिस फोर्स जो इक्वेटर पे है वो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे साइक्लोन्स बनेंगे इक्वेटर पे साइक्लोन्स बनते हैं गर्मी तो होती है ना हीट एनर्जी तो होती है तो यहाँ पे साइक्लोन्स किस लिए नहीं बनते बनतेरियोलस फोर्स की वजह से नहीं बनते ठीक है क्योंकि इसको घुमाने वाली एयर नहीं है डिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा ठीक है डिफ्लेक्शन सबसे कम रहेगा यहाँ पे तो यहाँ पे साइक्लोन्स इमीडिएट इक्वेटर पे नहीं बनते हैं साइक्लोन्स कहाँ बनते थे यहाँ पे मिड लैटिट्यूड में बनते थे ठीक है जो ट्रॉपिक्स के बीच में यहाँ पे इक्वेटर को आप छोड़ दो इमीडिएट इक्वेटर को उससे ऊपर वाली साइड में ठीक है उधर बनते थे ठीक है यहाँ पे आप इमीडिएटली छोड़ दो पांच दस डिग्री लैटिट्यूड तक यहाँ पे आपके साइक्लोन बनते थे जहाँ पे गर्मी भी मिलती थी सूरज की यहाँ पे इंसुलेशन मिल रहा है प्लस यहाँ पे कोरियोल फोर्स जो है वो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा है ठीक है ऊपर क्यों नहीं बनेंगे यहाँ पे साइक्लोन्स क्योंकि यहाँ पे ठंडक हो जाएगी ठंडक होगी तो यहाँ पे आपके जो एयर जो, जो लो प्रेशर है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगा लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा ट्रॉपिक्स में ही तो क्रिएट होगा तो यहीं पे आपके साइक्लोन्स बनेंगे तो साइक्लोन्स का रीजन यहाँ पे ये रहता है। ओके ठीक है बस अब इसमें ये दो टॉपिक्स और देख लेते हैं फिर हम एंड करते हैं अच्छा अब यहाँ पे जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है जियोस्ट्रॉफिक विंड जो रहती है वो दो कारणों की वजह से कंट्रोल होती है एक तो देखो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जो है उसकी वजह से प्लस यहाँ पे

क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम होता है फ्रिक्शन जो है वहां पे कम मिलता है और यही विंड जो है अगर धरती पे चलेगी तो यहाँ पे रिलेटिवली फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से स्लो हो जाएगी ठीक है तो ये किससे कंट्रोल हो रही है कोरियोलिस फोर्स से और प्रेशर ग्रेडियंट पे वेन आइसो स्ट्रेट एंड वेन देर इज नो फ्रिक्शन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स एंड द रिजल्ट विंड ब्लोस पैरल टू द आइसो बार इसका मतलब यही हुआ कि फ्रिक्शन जब कम होता है ठीक है तो आपके आइसोबार्स जो रहते हैं वो स्ट्रेट बनते हैं और फ्रिक्शन जब ज्यादा रहता है तो आपके आइसोबार्स क्या होंगे ज्यादातर सर्कुलर बनेंगे ठीक है और इस विंड को हम क्या कहते हैं विंड ये जनरली ये जो ये जो यहाँ पे प्रेशर जो है ये हॉरिजोटल प्रेशर की यहाँ पे आपने वन जीरो वन फोर मिली बार लिया और आपने यहाँ पे लिया वन जीरो टू जीरो मिली बार ठीक है ये जो आपका मूवमेंट रहेगा ये

कोई भी चीज रोटेट करती है तो एक बाहर की तरफ यहाँ पे फोर्स सॉरी अंदर की तरफ यहाँ पे फोर्स लगती थी ठीक है जो इसको गोल बनाती है और एक बाहर के साइड जो फोर्स लगती थी वो क्या होती थी सेंट्रीफ्यूगल सेंट्री फ्यूगल वो होती थी है ना सेंट्री फ्यूगल फोर्स होती थी तो उसी की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये सेंट्रीपीटल एक्सिलरेशन की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हवा जो है गोल गोल घूमने लगी तो इसमें एक और फोर्स जो है वो बन जाएगी कौन सी सेंट्रीपीटल एक्सिलरेशन याद है ये वाला और yes, है ना तो ये. नहीं, आ... जो हैं जो भूल जाते बार-बार. अच्छा-अच्छा हिंदी में में आपने जरूर पढ़ा होगा. आपको याद नहीं आ रहा है राजेश लेकिन हिंदी में जरूर पढ़ा होगा एसे. इसे 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 गूगल करोगे ना तो आपको मिल जाएगा याद आ जाएगा सेंट्रीपीटल फोर्स वो होती थी जब यहाँ पे बॉडी रोटेट करना शुरू करती थी इस सेंटर के अराउंड ठीक है यहाँ पे रोटेट करती थी तो ये वेक्टर जो होता था एक फोर्स इसको अंदर लगती थी एक फोर्स इसको बाहर लगती थी टेंजेंशियली टेंजेंट tangent पे ठीक है तो ये एज अ रिजल्ट कहा जाती थी ये बीच में मूव करने लगती थी सर्कुलर पाथ लेता था ये ठीक है तो ये बाहर वाली जो फोर्स होती थी जो हम जैसे मतलब झूला झूलते हैं झूला झूलते हैं तो हमें एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जो हमें बाहर की साइड फेंकती है प्लस हम सर्कुलर मोशन में भी घूमते रहते हैं तो वो जो सर्कुलर मोशन में घुमाए रखती है वो कौन सी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स ये अगर जो साइक्लोन है ये गोल गोल घूम रहा है तो किसी फोर्स की वजह से ही तो उस शेप में घूम रहा है अंदर की साइड कोई फोर्स लग रही होगी तो उसी उसीपीटलेशन की बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे सर्कुलेशन होता है हवा का हवा का यहाँ पे सर्कुलेशन होता है तो यहाँ पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगी वो कौन सी रहेगी सेंट्रीपिटल एक्सिलेशन लगेगी ठीक है सेंट्रीपीटल एक्सिलेशन क्रिएट्स अ फोर्स डिरेक्टेड एट द राइट एंगल टू द विंड मूवमेंट यही जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये जो है ये इधर मूव कर रहा है ये गोल गोल घूम रहा है ऐसे करके ये फोर्स जो लग रही है अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये अंदर के साइड 90 डिग्री पे लगेगी ठीक है राइट एंगल्स टू द द विंड मूवमेंट एंड सेंटर ऑफ द रोटेशन दिस फोर्स प्रोड्यूसिस सर्कुलर पैटर्न ऑफ द वोटेक्स वोटेक्स क्या होता है जैसे अ uh, जो जो एंड जेरी देखा है ना टॉम एंड जेरी में क्या होता है कि ये ऐसे करके पानी जैसे वो लोग खेल रहे होते हैं तो यहाँ पे सी में पानी जो होता है एकदम से ऐसे अंदर करके अः एक पॉइंट पे चला जाता है अंदर को यहाँ पे यहाँ पे सोख लेता है पानी ऐसे गोल गोल घूम के अगर आपने कार्टून देखा है तो बीच में एकदम सोख लेता है ऐसे गोल गोल घूम के ना Yes, आ, मतलब कर पा रहे हो ऐसे करके ही अच्छा वॉश बेसिन में जब हम हाथ धोते हैं कुछ भी करते हैं तो वो पानी ऐसे सर्कुलर ऐसे करके घूमता है तो ये ऐसे सर्कुलर करके इस पॉइंट के अराउंड जो गोल 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 घूम रहा है ना उसको हम क्या कहते हैं वोटेक्स कहते हैं टेक्निकली उसको हम क्या कहते हैं वोटेक्स

जहाँ कम प्रेशर रहता है वहाँ पे ये ऐसे करके नीचे अंदर को चला जाता है कार्टून्स में तो बहुत दिखाते हैं टॉम एंड जेरी पकड़े हैं पूरा पानी सोख लिया तो पर मैम ये जो हुँ. ये जो कम प्रेशर ज्यादा प्रेशर बनता है ये हवाओं में बनता है हाँ. प्रेशर में बने मतलब कि हाँ. बाहर की तरफ क्या होगा कि हुँ. अधिक प्रेशर होगा हुँ. और जो सेंटर होगा वहां पर कम बिल्कुल वैसे ही घूम घूम के ये गोल गोल घूम के क्योंकि ये आपस में क्या होगा ये आपस में इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे जैसे अगर हमने साइक्लोन की बात करते हैं तो लो प्रेशर बीच में होता है लेकिन ये कभी भी ना क्या होगा अगर ये उस जोन में है ट्रॉपिकल जोन में है तो ये क्या होगा ये यहाँ पे जा नहीं पाएगी सीधे सीधे ये क्या होगी ये घूम जाएगी अगर ये नॉर्दर्न हेमस्फेयर में होगी तो ये यहाँ पे राइट साइड में घूम जाएगी ये राइट साइड में घूमेगी तभी तो एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ऐसे करके तो ये घूम ये घूमने लगेगी यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन बन जाएगी ठीक है ओके यस yes, चलो आ, यहाँ पे ये देखो ये वाला जो है ये ट्रॉपिक्स पे आपके जो है ये क्यों नहीं बनते हैं साइक्लोन्स इक्वेटर पे ये इसी कारण नहीं बनते हैं क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो इसको गोल गोल घुमा रही है ये सबसे कम रहती है इक्वेटर पे ठीक है गर्मी तो है लेकिन कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे एकदम इमीडिएट जीरो डिग्री लैटिट्यूड पे आपको कोई भी जो साइक्लोन है वो आपको नहीं दिखेगा ठीक है कल हम यहाँ पे ये स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर ठीक है आज भी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन आ, ये काफी हमने पूरा डिटेल में ही किया है कुछ छूटा नहीं है ऐसा ठीक है मैम एक वो बता दीजिए प्लीज हाँ, हाँ ये आ मैम बोयंट फोर्स मैम